बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक रोज़ ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से इल्तिजा की कि ज़रा आँखें उठाकर मुझे देखो, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे अंदेशा है कि अंधे हो जाओ। तो ज़ुलेखा कहने लगी, तुम्हारी आँखें किस कदर खूबसूरत हैं। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो जब मैं कब्र में उतारा जाऊँगा तो मेरे चेहरे की जो चीज़ सबसे पहले गिर जाएगी वो मेरी आँखें ही होंगी। फिर कहने लगी, तुम्हारे जिस्म की खुशबू कितनी अच्छी है। तो आपने फरमाया, मेरी वफ़ात के 3 दिन के बाद सूंघोगी तो भाग खड़ी होगी। लेखा ने कहा, आप मेरे नज़दीक क्यों नहीं आते? आपने फरमाया, तुमसे दूर रहकर अल्लाह की कुर्बत हासिल करना चाहता हूँ। उसने फिर इल्तजा की, मेरा बिस्तर रेशमी नरम व मुलायम है, उठो चलकर मेरी ख्वाहिश पूरी करो। तो आपने फरमाया, मुझे खौफ है मेरा जो जन्नत में जो हिस्सा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो कहने लगी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें शिकंजों में जकड़ कर रख दूंगी। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी हिफाजत मेरा खुदा करेगा बेशक। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर ऐसी ही इस्लामिक इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल लेंस ऑफ बिलावल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जज़ाकअल्लाह।